हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक, फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे सरफेस फिनिशिंग क्या होती है, सरफेस फिनिशिंग के लिए कितने सिंबल्स यूज होते हैं, सरफेस फिनिशिंग को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सरफेस फिनिशिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ड्राइंग में सरफेस फिनिशिंग का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लेट बी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। फर्स्ट लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस रफनेस। Roughness is the irregularities of a machined surface that is result of the machining process. Roughness also known as finally surface texture to be measured. दोस्तों, मशीनिंग ऑपरेशन के बाद सरफेस की फिनिशिंग को फिंगर से टच करके फील करोगे तो वहाँ आपको खुरदरापन महसूस होगा, जिसे सरफेस irregularities कहते हैं। टेक्निकली इसे सरफेस रफनेस के नाम से जाना जाता है, जिसे रफनेस टेस्टर से मेजर भी करते हैं। सरफेस फिनिशिंग को टेक्सचर भी बोला जाता है, मतलब सरफेस की चमक कितनी है मशीनिंग ऑपरेशन होने के बाद। जैसे यहाँ पे सरफेस दिया हुआ है, ये सरफेस नॉर्मल आप देखोगे विजुअली तो ये प्लेन आपको नजर आएगा, जब हम इसे फिंगर से टच करके फील करेंगे तो यहाँ आपको खुरदरापन दिखेगा। ये खुरदरापन, ये जो देख रहे हो आप, ये सरफेस की इरेगुलरिटीज़ हैं। ये सरफेस कितना अनइवन है, इसे हम सरफेस रफनेस टेस्टर से मेजर करते हैं। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस फिनिशिंग। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पे सरफेस की फिनिशिंग डिपेंड करती है मशीनिंग ऑपरेशन करते समय। फर्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ टूल। टूल का सिलेक्शन यानी कौन से मटेरियल का टूल या इंसर्ट आप यूज़ करने वाले हो, ये बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट है फीड एंड स्पीड ऑफ द टूल। टूल की फीड क्या है, स्पीड क्या है, यानी कटिंग ऑफ डेप्थ आपने कितना ले रखा है। इन्वायरमेंट की कंडीशन भी सरफेस फिनिशिंग को अफेक्ट करती है। इनके अलावा और भी मशीनिंग पैरामीटर्स हैं, उन्हें भी हमको एज पर स्पेसिफिकेशन कंट्रोल करना पड़ता है एक्यूरेट फिनिशिंग लेने के लिए। नाउ लेट अंडरस्टैंड सरफेस रफनेस सिंबल। कितने सिंबल यूज होते हैं इसको इंडिकेट करने के लिए। फर्स्ट वन, बेसिक सरफेस टेक्चर ऑब्टेन बाय एनी मेथड। दोस्तों, ये सिंबल इंडिकेट करता है यहाँ मशीनिंग ऑपरेशन ऑप्शनल है। जिस मटेरियल से आप पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो सकता है वो मटेरियल की सरफेस ऑलरेडी फिनिश है, इसीलिए यहाँ मशीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सेकेंड वन, सरफेस टेक्चर ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ मटेरियल थ्रू मशीनिंग प्रोसेस, यानी इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइडेड। अगर यहाँ पे ये एक और बार में लगा देता हूँ तो ये सिंबल चेंज हो जाता है। इसका मतलब है पार्ट में जो सरफेस फिनिशिंग लेके आनी है वो मशीनिंग ऑपरेशन के थ्रू लेके आना है। जैसे आपने देखा होगा, जिस पार्ट में अगर हम किसी पार्ट में मशीनिंग करते हैं तो वो पार्ट अगर हमारा फोर्जिंग से निकल के आया है या डाई कास्टिंग से निकल के आया है, तो फोर्जिंग के टाइम पे या फिर डाई कास्टिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाता है, जिसे हम मशीनिंग अलाउंस बोलते हैं। उस मटेरियल को मशीनिंग के टाइम पे रिमूविंग करके सरफेस फिनिशिंग को ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट सिंबल इज, अगर मैं यहाँ पे सर्कल इंडिकेट करता हूँ, इस सर्कल का मतलब है सरफेस टेक्चर ऑब्टेन विदाउट रिमूविंग ऑफ मटेरियल थ्रू सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, फोर्जिंग, हॉट फिनिशिंग, कोल्ड फिनिशिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, पाउडर मेटलर्जी लाइक कोटिंग ETC। तो यहाँ पे दोस्तों जो सरफेस की फिनिशिंग है वो हमें विदाउट रिमूविंग ऑफ मटेरियल ऑब्टेन करनी है। विदाउट रिमूविंग ऑफ मटेरियल
से रिलेटेड जो प्रोसेस है, जैसे कास्टिंग का प्रोसेस हो गया, कास्टिंग बोले तो सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग का, फोर्जिंग, हॉट फिनिशिंग, कोल्ड फिनिशिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, पाउडर मेटलर्जी और कोटिंग्स, ये सभी ये प्रोसेस विदाउट सरफेस रिमूविंग यानी मटेरियल रिमूविंग किए बगैर हमें सरफेस की फिनिशिंग ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट वन, अगर इस पे एक्स का सिंबल लगा हुआ है इधर, इसका मतलब है मटेरियल रिमूविंग अलाउंस वैल्यू इन mm, हेयर एक्स डिफाइन द मिनिमम मटेरियल रिमूवल रिक्वायरमेंट। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो कंप्लीट सिंबल है ड्राइंग में कैसे दिया जाता है। तो ये इसके आगे जो आपका ये इंक्लाइन में जो लाइन है, इस लाइन के आगे अगर एक्स लगा हुआ है तो इसका मतलब है मटेरियल को रिमूव करना है mm में, कितना करना है वो भी इसकी वैल्यू लिखी होती है। लास्ट वन, इस सिंबल में अगर यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सरफेस रफनेस कंडीशन इज सेम ऑल अराउंड द पार्ट सरफेस, मतलब जो भी सरफेस की कंडीशन रहेगी आफ्टर रिमूविंग द मटेरियल और यू कैन से आफ्टर मशीनिंग द प्रोसेस, तो वो ऑल एंटायर सरफेस पर रहेगी पार्ट के। ओके, किसी हमको किसी पोर्शन पे या किसी आधे अधूरे पार्ट पे कोटिंग नहीं करनी है या फिनिशिंग लेके नहीं आनी है, एंटायर पार्ट को कवर करना है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं रफनेस के सिंबल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो सिंबल है ये ए लिखा हुआ है, इस ए का मतलब है रफनेस वैल्यू आर ए इन माइक्रोमीटर, ये रफनेस की वैल्यू है। अगर यहाँ पे हमने एक की जगह पे कुछ वैल्यू अगर आपको मिलेगी तो यानी उस वैल्यू पे हमको रफनेस को ऑब्टेन करना है। अगर इसके आगे बी लिखा रहता है, इस लाइन के ऊपर बी, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन मेथड लाइक मशीनिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, मोल्डिंग, कोटिंग, ये तो वैसे इंडिकेट कर रहा है। अगर बी को हटा करके यहाँ पे वो लिख देता है ड्राइंग में मिलिंग, तो आपको मिलिंग ऑपरेशन करना है। अगर वो कहता है कि आपको कास्टिंग, तो कास्टिंग ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट ये सी क्या इंडिकेट करता है, इस लाइन के नीचे रफनेस कट ऑफ और सैम्पलिंग लेंथ इन mm, यानी हमें आर ए की वैल्यू कितनी लेंथ पे हमें चेक करनी है। तो सैम्पलिंग जो एवरेज लेंथ होती है, जिस लेंथ पे हमें रफनेस चेक करना है उसे कहते हैं सैम्पलिंग लेंथ ऑफ द पार्ट, क्योंकि हम एंटायर पार्ट पे रफनेस चेक नहीं कर सकते, हमें एक सैम्पल कवर करना पड़ता है, यानी सैम्पलिंग लेंथ कवर करनी पड़ती है। डी का मतलब क्या है इधर, डी का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ले सरफेस पैटर्न, यानी जो भी सरफेस का जो पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है मशीनिंग होने के बाद या कोई प्रोसेस होने के बाद, उसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पार्ट सरफेस के किसके अलोंग है, वो पार्ट सरफेस के अलोंग में जो भी डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन ऑफ ले कहलाएगी सरफेस की। ई का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ई लिखा हुआ है तो ई का मतलब है मिनिमम मटेरियल रिमूवल रिक्वायरमेंट इन mm, जैसे आपको मैंने बताया था वहां पे एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने ई से इंडिकेट किया है इसको। एफ का मतलब क्या है, अगर इस लाइन के नीचे एफ लिखा हुआ है तो रफनेस वैल्यू अदर देन आर ए इन माइक्रोमीटर्स लाइक आर जेड, अगर सिंबल में आर ए नहीं दिया हुआ है तो आपको आर जेड चेक करना है। तो आर जेड जो है आपको एफ से अकॉर्डिंग, एफ की जगह पे जो भी वैल्यू इस लाइन के नीचे होगी तो समझ लेना वो आपको आर जेड की वैल्यू उतनी ऑब्टेन करनी है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ड्राइंग में ये जो सिंबल है कैसे एक्सप्लेन किया जाता है या कैसे इसको मेंशन करते हैं। ये देखो यहाँ पे बी की जगह पे मैंने लिख दिया है मिलिंग, एंड आर ए की जगह पे मैंने लिख दिया है, ए की जगह पे क्या लिखा है 5.3, इसका मतलब है आर ए। ये जो मटेरियल है ई की जगह पे मैंने क्या लिखा है, ई भी लिख दिया साथ में ताकि आपको कन्फ्यूज ना रहे, जिसको हम एक्स भी बोल रहे थे 1.8। तो इसका मतलब यह है मशीनिंग करते समय आपको 1.8 का अलाउंस दिया हुआ है सरफेस फिनिशिंग को अचीव करने के लिए, इतना मटेरियल आप रिमूव कर सकते हो। तो ये 5.3 आपकी आर ए की वैल्यू है, इतनी आपको सरफेस फिनिशिंग ऑब्टेन करनी है, कौन से ऑपरेशन के थ्रू, मिलिंग ऑपरेशन के थ्रू। ये है डायरेक्शन ऑफ ले, जो भी सरफेस का पैटर्न आएगा वो आपके पार्ट सरफेस के एक्स एक्सिस में किसके अलोंग रहेगी, वो एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर रहेगी, यानी सरफेस की जो सरफेस फिनिशिंग, जो आपकी स्क्रैचेस हैं या इरेगुलरिटीज़ हैं वो आपके सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है,
जैसे मैंने यहाँ इसको लिख भी दिया है, प्रोडक्शन मेथड, मिलिंग रफनेस कितना चाहिए 5.3 माइक्रोमीटर, ये क्योंकि हम माइक्रोमीटर में ही इसको मेजर करते हैं रफनेस को। मशीनिंग अलाउंस दिया हुआ है 1.8 mm। नाउ डिस्कस डायरेक्शन ऑफ ले, यानी सरफेस जो पैटर्न है हमारा उसकी डायरेक्शन को आप कैसे समझेंगे। इसका अगर इस सिंबल के साथ में ये परपेंडिकुलर का साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है परपेंडिकुलर टू पार्ट सरफेस, ये हमारा पार्ट सरफेस है। जब इस पर हम मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो मशीनिंग ऑपरेशन से जो सरफेस की जो इरेगुलरिटीज आएंगी वो इस तरीके से रहेंगी परपेंडिकुलर लाइन में। नेक्स्ट है पैरेललिज्म, यानी पैरेलल टू पार्ट सरफेस, जो भी हमारे इरेगुलरिटीज रहेंगी जब आप फिंगर से टच करोगे तो ये पैरेलल मिलेंगी आपको पार्ट सरफेस के, ये आपको इसको फिंगर से टच करेंगे तो ये आपको फील होगा परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरिटी। तो ये जो ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ये कितनी इसकी हाइट कितनी है, मैक्सिमम आर ए कितना है, आर जेड कितना है, ये आपको फाइनली चेक करना पड़ेगा रफनेस टेस्टर से। यहाँ लिखा हुआ है क्रॉस टू पार्ट सरफेस, अगर एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो जिग जैग डायरेक्शन में हो सकती हैं, यानी मल्टीपल डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे ये दिखा रखा है। आपने देखा होगा जो कोई बार होती है, जैसे जिम के अंदर बार होती है या उसको कहीं से पकड़ा जाता है, तो प्रॉपर ग्रिप बनाने के लिए वहाँ पर क्रॉस हैचिंग की जाती है। तो ये क्रॉस हैचिंग आपको ये बताएगी क्रॉस्ड टू पार्ट सरफेस, जिसे इंडिकेट करते हैं हम एक्स सिंबल से। अगर आपको सर्कुलर फॉर्म में उसका पैटर्न चाहिए तो ये इसके साथ में आपको सी लिखना होगा। इसके अलावा आर ऑब्लिक पी, आर का मतलब है रेडियल, ये रेडियल में है पार्ट के सरफेस की जो इरेगुलरिटीज हैं, जो फिनिशिंग है पार्ट की, और ये जो आपकी है पी, ये अनइवन पैटर्न में है। तो ये सभी सिंबल्स डायरेक्शन ऑफ ले को इंडिकेट करते हैं। नाउ डिस्कस रफनेस ग्रेड चार्ट, रफनेस को मेजर करने के लिए जो वैल्यू दी जाती है उस चार्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है। पहला जो कॉलम है आर ए का है, यानी एवरेज रेफरेंस रफनेस, इसे हम माइक्रोमीटर में चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट है इंचज में, ये आर ए की वैल्यू इंचज में भी दे रखी है माइक्रो इंच में। रफनेस ग्रेड नंबर्स हैं ये रफनेस ग्रेड नंबर्स आपकी फिनिशिंग को इंडिकेट करते हैं। जैसे जैसे ये नंबर्स डिक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सरफेस की फिनिशिंग इम्प्रूव होती जाएगी, यानी फाइन सरफेस आपको निकल के आएगा। और इसे हम ट्रायंगल के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं ड्राइंग के अंदर। अगर ड्राइंग में सरफेस फिनिशिंग के साथ सिंबल के साथ में ये वन ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है आपको N10 से लेकर के N12 के बीच में किसी कहीं पर भी सरफेस फिनिशिंग अचीव कर सकते हो। अगर डबल ट्रायंगल है तो N7 से लेकर N9 के बीच में, इनका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे N7 से N9 क्या है 1.6, 3.2, 6.3, इनके बीच में आपको सरफेस रफनेस को अचीव करना है। अगर ये 3 ट्रायंगल में दिया हुआ है तो N4 टू N6, अगर आपका लास्ट तक इसमें आपका 4 तक रहता है इसमें N1 से लेकर N3 तक, तो जैसे जैसे ट्रायंगल्स की जो नंबरिंग है वो बढ़ती जा रही है आपकी सरफेस फिनिशिंग फाइन होती चली जाएगी। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे सबसे लास्ट में दिया हुआ है 0.025, ओके इसको आप डबल करते जाइए। जैसे आप 0.025 का डबल कितना हो जाएगा 0.05, इसका डबल 0.1, इसका डबल 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 एंड 3.2, इसमें भी आप डबल करोगे बट पॉइंट के बाद जो पॉइंट जो डिजिट है उसमें से एक माइनस कर देना है, ओके जैसे यहाँ पर भी एक माइनस हो रखा है, फिर आपको ये सेम रिपीट में आपको डबल करना है। 12.5 का डबल कितना हो गया 25 का डबल हो गया 50। ये रफनेस की जो वैल्यू है ग्रेड के अकॉर्डिंग कैसे याद करना है, ये इसका थंब रूल है। नाउ डिस्कस व्हाट इज आर ए आर जेड एंड हाउ टू मेजर एंड कैलकुलेट। आर ए समझते हैं पहले, आर ए इज द एवरेज रफनेस ऑफ ए सरफेस, जिसे हम आर ए वैल्यू आर एवरेज मेजरमेंट ऑफ सरफेस पीक एंड वैलीज और यू कैन से डेविएशन फ्रॉम द सेंटर लाइन विद इन सैम्पलिंग लेंथ।
तो आर ए जो है अर्थमेटिक मीन है, जिसे हम एवरेज रफनेस बोलते हैं, जो हमारी एवरेज सैम्पलिंग लेंथ है उसी लेंथ पे हमें एवरेज वैल्यू चेक करनी है सरफेस रफनेस की, जिसे हम आर ए बोलेंगे। ये आर ए हमें सेंटर से चेक करनी पड़ती है, यानी जो आपका जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो सेंटर से कितनी डेविएट हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो आप कहीं से भी इनको चेक कर सकते हो। जनरली हम सेंटर से ऊपर वाले जो हाईएस्ट पीक होते हैं उन्हें हम मेजर करते हैं। जो सरफेस रफनेस टेस्टर होता है वो सेंटर से ऊपर वाले यानी हाईएस्ट पीक वाले को वो पकड़ जो है डिटेक्ट करता है। तो हाईएस्ट पीक में क्या क्या है यहाँ पे, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5। तो सरफेस रफनेस टेस्टर इन 5 पॉइंटों को पकड़ेगा। और कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, आर ए इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y4 प्लस Y5 डिवाइड बाय 5। जितने भी पॉइंट आपने लिए हैं उसे उतने नंबर से डिवाइड कर देना है। तो ये कैलकुलेशन है आर ए की। बट टेस्टर से जब आप कैलकुलेट मेजर करोगे तो डायरेक्ट आपको वो वैल्यू वहाँ पे हाईलाइट करेगा, वहाँ से वैल्यू जो डिलीवर होके आएगी कि कितनी रफनेस है, एवरेज रफनेस कितनी है उसकी। नाउ अंडरस्टैंड आर जेड, व्हाट इज आर जेड। आर जेड मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पीक टू द लोएस्ट वैल्यू विद इन 5 सैम्पलिंग लेंथ एंड एवरेज इज द डिस्टेंस। इसका मतलब ये है, ये हमारा कोई सरफेस रफनेस है, ये इसका सेंटर है। जब हम जेड चेक करते हैं तो आपको पीक टू डीपेस्ट वैली, ये हमारी वैली है, ये हमारा पीक पॉइंट है, ये वैली पॉइंट है, यानी डीपेस्ट वैली मतलब मैक्सिमम डीप वैली पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, जो जो हाईएस्ट पीक वैल्यू हैं जिनकी जो हाइट है H1, H2, H3, H4, H5, ऐसे ही हम इंडिकेट करेंगे नीचे जो डीप वैली हैं H1, H2, H3, H4, H5, ये मैंने कैपिटल एंड स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया है, डिफ्रेंशिएट किया है इनको। तो ये बता रहा है आर जेड मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द हाईएस्ट पीक टू द लोएस्ट वैली विद इन 5 सैम्पलिंग लेंथ एंड एवरेज द डिस्टेंस। ये डिफरेंस ऑफ एवरेज डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। कैसे करते हैं इसे, आर जेड इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 माइनस H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 डिवाइड कर देंगे हम इसको 5 नंबर से, तो हमारा आर जेड निकल के आ जाएगा। दोस्तों आर वाई का मतलब है मैक्सिमम हाइट ऑफ वेवीनेस, और यू कैन से मैक्सिमम हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। इसे हम हाईएस्ट डीप वैली से लेकर के हाईएस्ट पीक वैल्यू तक इंडिकेट करते हैं। ये जो टोटल जो डेविएशन की हाइट है ये कहलाती है आर वाई।